हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। ओके, आज हम देखने वाले नेक्स्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। तो आज के इसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ओके, बेसिकली फॉर क्रिएटिंग एन वर्चुअल मशीन हमें रिक्वायर्ड है वीएमवेयर वर्कस्टेशन। ओके, सो वीएमवेयर वर्कस्टेशन का सेटअप यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। ओके, इसकी जो जिप फाइल होगी या प्रोडक्ट की होगी सभी आपको मिलेंगे, सिंपल जो लिंक का डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, सो लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी, पूरी जिप फाइल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल वीएमवेयर वर्कस्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू की। ओके, की आपको लास्ट में मिलेगी जब भी हमें रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सो जब भी हमें की रिक्वायर्ड होगी तो तब हम यहाँ पे उसको इंटर करेंगे। सो फर्स्ट देखते हैं वीएम वर्कस्टेशन किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल डबल क्लिक करना है वीएम वर्कस्टेशन सेटअप के ऊपर। सो डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लोड होगा, फिर क्लिक ऑन यस। ओके, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट। ओके, तो इसको मिनिमाइज करते हैं तो पूरा आपको सेटअप यहाँ पे दिख जाएगा। बस जैसे कि आपको दिख रहा है, वेलकम टू इंस्टॉलेशन विजार्ड फॉर वीएमवेयर वर्कस्टेशन। द इंस्टॉलेशन विजार्ड विल इंस्टॉल वीएमवेयर वर्कस्टेशन ऑन योर कंप्यूटर। टू कंटिन्यू नेक्स्ट क्लिक। ओके, कुछ भी आपको अपने मन से करना नहीं है। ओके, यहाँ पे पूरे नंबर्स ऑफ जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, लाइक कुछ वार्निंग भी यहाँ पे दी गई, जैसे कि वार्निंग क्या है, दिस प्रोग्राम इज प्रोटेक्टेड बाय अ कॉपीराइट लॉ एंड इंटरनेशनल थ्रेट्स। ओके, सो कॉपीराइट्स हो सकता है इशू इसके ऊपर। सो नॉर्मल जो लाइसेंस वाले हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन चलने वाले लोग हैं, तो जो कीज है आपको यहाँ पे आपको दी जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। देन यहाँ पे जैसे कि लाइसेंस जो भी है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, देन यहाँ पे आपको जितने भी ऑल प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे हम टिपिकल कहेंगे। जैसे कि दोनों डायग्राम्स आप कंपेयर कर सकते हो, कि जैसे कि टिपिकल के अंदर सभी चीज़ें टिपिकल प्रोग्राम फीचर्स विल बी इंस्टॉल, एंड कस्टम के अंदर चूज विद द प्रोग्राम फीचर्स वेयर दे विल बी इंस्टॉल रिकोमेंडेड फॉर एडवांस यूजर के अकॉर्डिंग टू यू आप क्या कर सकते हो, इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम टिपिकल सिलेक्ट करेंगे। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि जो डेस्टिनेशन फोल्डर, जैसे कि जितने भी नंबर हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे सभी के अंदर सेम था। सेम यहाँ पे कि इफ आपका सी ड्राइव के अंदर कोई साइज का इशू हो तब आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हैं। आपके जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वो चेंज कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है चेंज अकॉर्डिंग टू डायरेक्टरीज के कहाँ पे आपको स्टोर करना है। ओके, आपके सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, के सी ड्राइव में ऑलमोस्ट 330 GB हमारे पास है। ओके, है लेकिन 212 रिमेनिंग है, 291 331, तो स्पेस है, तो इसके लिए हम चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, तो चेक अ प्रोडक्ट अपडेट्स। ओके, जैसे कि ये हम मैनुअली इंस्टॉल करें तो इसकी जो अपडेट्स है हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसी वर्जन के अंदर हमें जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है वो सेम वर्जन के ऊपर परफॉर्म करना है, तो इस रिगार्डिंगली हम इसके अपडेट्स नहीं करेंगे। ओके, तो वीएमवेयर वर्कस्टेशन का जो अभी करंटली हमारा वर्जन है उसके ऊपर ही हमारे सभी प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो हम वर्जन को अपडेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेकबॉक्स आपको डिसेबल करना है या रिमूव करना है बोल सकते हो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, सो हेल्प टू इम्प्रूव। ओके, कोई इम्प्रूवमेंट भी नहीं चाहिए, एज इट इज जो स्टैटिक वाला वर्जन है वही हमें रिक्वायर्ड है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पे जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको आइकॉन चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक ऑन डेस्कटॉप आइकॉन एंड द स्टार्ट मेनू प्रोग्राम के लिए चाहिए तो वहाँ पे उसको सिलेक्ट करो। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके, रेडी टू परफॉर्म अ रिक्वेस्ट ऑपरेशन। क्लिक कंटिन्यू बीइंग प्रोसेसेस। इफ यू वांट टू रिव्यू चेंजेस एंड इंस्टॉलेशन सेटिंग क्लिक बैक एंड कैंसिल द एग्जिट विजार्ड। ओके, सो सिंपली उन्होंने बताया है कि इफ आपको प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, मतलब आपका जो भी असाइन करना था वैल्यू सब हो गया है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इफ आपको कोई भी नंबर्स ऑफ चेंजेस करने हैं आपके इंस्टॉलेशन के अंदर, तो सिलेक्ट नॉर्मल बैक जाके नंबर्स ऑफ चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं
एंड लास्ट में आपको अगेन कंटिन्यू पे आना पड़ेगा। ओके सो सब ओके है, सो क्लिक ऑन कंटिन्यू। ओके कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद प्लीज वेट द विजार्ड परफॉर्म टू रिक्वेस्ट ऑपरेशन एंड दिस मे वे टेक अ सेवरल मिनट्स कि टेक्स टाइम। हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था इसके अंदर, तो जो टाइम रिक्वायर होता था वो टाइम को स्किप करने के लिए हमने ब्रेक लिया। देन अगेन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये पूरा इंस्टॉलेशन पैकेज होने के लिए। सो इंस्टॉलेशन हो रहा है, टेक सम टाइम टू इंस्टॉल। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो बहुत टाइम लेता था, तो थोड़ा सा स्किप किया हमने। सो वो होता रहेगा, देन अगेन थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा जैसे। दिस टेक्स टाइम टू इंस्टॉलिंग अ प्रोसेस। ओके क्योंकि नंबर्स ऑफ पैकेजेस इसके अंदर है, लार्ज नंबर्स ऑफ पैकेज कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। ओके टूल्स भी नंबर्स ऑफ टूल्स इसके अंदर इंस्टॉल हो रही है। ओके यहाँ पे जैसे कि आप पाथ देख सकते हो कि कहाँ पे इंस्टॉलेशन हो रहा है, सी यूजर के बी पी एंड ऐप डेटा लोकल टेम्प्ररी एंड वी एम वेयर एंड नंबर्स ऑफ टूल्स के अकॉर्डिंग टू जितने भी नंबर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपने देखे होंगे सभी के रिगार्डिंगली टूल्स यहाँ पे इंस्टॉल हो रहे हैं। जैसे कि विंडोज, लिनक्स, सोलारिस के जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखे होंगे सभी के रिगार्डिंगली यहाँ पे हो रहे हैं। ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आई जैसे कि प्रोडक्ट की या लाइसेंस की। सो लाइसेंस की हमारे पास अवेलेबल है, तो देखते हैं कि लाइसेंस की के लिए तो आपने पूरा वीडियो देखा ही होगा। ओके सो लेट्स यहाँ पे देखते हैं एक प्रोडक्ट की, तो एक सिंगल प्रोडक्ट की हम यहाँ पे कॉपी करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, सिलेक्ट पेस्ट। ओके तो प्रोडक्ट की हमने इंसर्ट कर दी, क्लिक ऑन इंटर। जैसे कि जो प्रोडक्ट की आपको विजिबल नहीं होगी बट ओके कभी हो भी सकती है क्योंकि वीडियो एडिट के ऊपर डिपेंड है, प्रॉपर एडिट हो गई तो वीडियो के अंदर नहीं दिखेगी, तो एडिशन नहीं हुआ तो वो दिख सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी तो आपको दिखेगा। क्लिक ऑन फिनिश। ओके आफ्टर फिनिश हम देखेंगे जैसे कि जादू, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं वी एम वे वर्क स्टेशन आपका आ गया। तो इसको ओपन करते हैं तो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, वी एम वे वर्क स्टेशन 2010 आपका यहाँ पे आ गया। ओके सो इसके बाद नेक्स्ट जैसे कि वर्चुअल मशीन किस तरह से करना है, जेन सर्वर, ई एक्स आई सर्वर, ओके नंबर्स ऑफ प्रैक्टिकल्स हम इसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। ओके यहाँ तक इंस्टॉलेशन की, इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। इफ आप ये वीडियो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट होगा तो हमें पिन कर सकते हैं। ओके इफ आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो अगेन आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिन कर सकते हैं, सेम यूज़र आईडी या जो कनेक्ट करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड होगा मेरा यूज़र नेम वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।